People, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 67 आईपीसी पढ़ेंगे. सेक्शन 67 आईपीसी कहता है इम्प्रिजनमेंट विद नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली. इससे पहले के सेक्शन में हमने पढ़ा था कि इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन की क्या पनिशमेंट होती है, लेकिन अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि सिर्फ अगर फाइन नहीं भरा है किसी ने, मतलब उसको सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है, और अगर उसने वो भी नहीं भरा है तो उसको कैसी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और कितने समय के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी. ठीक है. सो इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, जब कोई ऑफेंस सिर्फ फाइन से पनिशेबल होता है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी सिंपल. इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं चलता है अगर सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है. जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये फाइन भरना था, एक टाइम पीरियड दिया गया था कोर्ट को और कोर्ट बार बार उसको रिवाइंड कर रही है, और उसके बाद भी अगर उसने फाइन नहीं भरा तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होता जो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा जितने भी दिन के लिए होगा वो सिर्फ सिंपल हो सकता है, रिग्रेस नहीं हो सकता. जैसे पहले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल और रिग्रेस वो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि सिंपल होगा कि रिग्रेस होगा. लेकिन जहां सिर्फ फाइन पनिशेबल है एज एन ऑफेंस में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल पनिशमेंट ही मिलेगी, रिग्रेस नहीं मिलेगी. द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल. अब इस सेक्शन में दो चीजें दी हुई है. सबसे पहली चीज तो ये दी हुई है कि जब पनिशमेंट कैसी मिलेगी, सिंपल मिलेगी. दूसरी चीज ये दी हुई कितने वक्त के लिए पनिशमेंट मिलेगी. एक स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, इसके आगे एक्सीड नहीं करना चाहिए कुछ भी. मतलब एक कहने का मतलब कि कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं इसमें कि इसी तरीके से सिर्फ पनिशमेंट दी जाएगी, इसी तरीके से पनिशमेंट कोर्ट दे सकती है. सो द फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 rupees. अब हम इसे उल्टा पढ़ते हैं. जब फाइन किसी व्यक्ति पर 50 rupees लगाए, मतलब कोर्ट ने फाइन लगाया, 50 rupees का फाइन उसको भरना है. अब अगर वो फाइन उसने नहीं भरा तो उसको कितने महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, उसको 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी. अब ऐसे आगे बढ़ते हैं. एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 rupees. इसे भी उल्टा समझते हैं. जब किसी व्यक्ति पर 100 rupees का फाइन लगाया गया है और उसने वो फाइन नहीं भरा है तो उसे कितने दिन की इम्प्रिजनमेंट होगी, 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, 4 महीने की जेल होगी. सिंपल सिंपल पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 rupees, तो उसको 100 rupees देने, जब उसको 100 rupees देने थे और उसने 100 rupees का फाइन नहीं भरा है तो उसको 4 महीने की पनिशमेंट मिलेगी. अब आगे, एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस. 100 rupees के ऊपर अगर कोई फाइन भरने को कहा गया है और उस ऑफेंडर ने फाइन नहीं भरा है, मान लो जैसे 150 rupees, 120 rupees, 500 rupees, मान लो 500 rupees किसी ने फाइन नहीं भरा है तो उसको कितने दिन की पनिशमेंट होगी, 6 months की पनिशमेंट होगी. तो ये क्वेश्चन मेन में जरूर पूछा जाता है, मतलब आई गेस ऑलमोस्ट हमेशा ही आता है मेन्स में, UPPCSJ मेन्स में. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन. इसी मतलब पूछते हैं कि क्या इम्प्रिजनमेंट किस तरीके से होता है, मतलब सॉरी इम्प्रिजनमेंट विद नॉन पेमेंट ऑफ फाइन क्या प्रोसीजर है, क्या स्केल होता है. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूरी चीज आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 सेज दिस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत आसान भी है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो ना समझ में आने वाला हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपली बस. हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा जरूर हुआ है, इसलिए कुछ चीजें आगे पीछे लिखी हुई है तो कंफ्यूज होना थोड़ा सा लाजमी है. लेकिन अब आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे के सेक्शंस भी पढ़ने को मिलते रहें. थैंक यू सो मच.